आदाब सर, मजाकराम साहब, आपका अनम्यूट कर लीजिए सर, शुरू करते हैं, लाइव हो गया है। कैसे हैं सर आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अलहमदुलिल्लाह। बहुत खुशी है सर कि आज अंजुमन तरक्की उर्दू केंद्र की तरफ से हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये इंटरव्यू की सीरीज का पहला इंटरव्यू है। और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी कि मेरे लिए बजाते खुद कि मैं अपने उस्ताद से, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, उनसे मैं ये भी सीखूंगा किसी चीज की शुरुआत कैसे की जाती है। बहरहाल, आज हमारे साथ प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब का तारुफ मुझे नहीं लगता कि मैं या किसी भी शख्स को ख्वाजा साहब की तारुफ की जरूरत है, क्योंकि वो अब मोहताज तारुफ नहीं रहे हैं। उनका काम हम मुस्तकिल गुज़श्ता 20 बरस से हम देखते चले आए हैं कि इल्मी और अदबी सतह के मुख्तलिफ नौइयतों के काम जो है वो ख्वाजा इकराम साहब के मंजर आम पर आते रहते हैं। और गुज़श्ता दिनों ख्वाजा इकराम साहब ने जितना ऑनलाइन जो सेशंस किए हैं, और जितना हम सबको दुनिया भर के लिखने वालों से और दुनिया भर के अदब पढ़ने वालों से मुतारिफ कराया है, मैं समझता हूँ कि इतना काम इस अहद में अभी तक किसी और ने नहीं किया। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के अपने प्लेटफॉर्म से हम सबको, तमाम उर्दू वालों को एक जगह जोड़ रहे हैं, ख्वा वो उर्दू वाला मॉरिशस में हो, ख्वा वो उर्दू वाला लंदन में हो, ख्वा वो उर्दू वाला अमरीका में हो, या कहीं भी दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब का ये बहुत बड़ा काम है कि वो पूरी दुनिया के अदीबों को और पूरी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर्स को, जो पढ़ने के और लिखने के शायकीन हैं, उनको एक जगह जोड़ रहे हैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के अपने प्लेटफॉर्म से। और हजारों लोग उनके इस काम की वजह से जुड़ भी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ख्वाजा साहब जिस जमाने में कौमी काउंसिल के डायरेक्टर थे, तो उस जमाने में भी फरोग उर्दू के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कई अहम किताबें उनकी निगरानी में मंजर आम पर आई, और भी बहुत से काम जो थे एनसीपीएल के, जो उनसे पहले नहीं हुए थे, वो उन्होंने अपने अहद में करे। और मुस्तकिल गुज़श्ता कई बरस से जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उर्दू के शोबे से वाबस्ता हैं, और उर्दू उनके उनकी निगरानी में अब तक कई पीएचडीज हो चुकी हैं, कई एमफिल हो चुकी हैं, और मुस्तकिल अभी काम जारी है। मेरी भी खुश नसीबी यह है कि मैंने ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब के अंडर में ख्वाजा मीरदर्द पे एमफिल की, और अब मैं मोहम्मद खालिद अख्तर पे सर की निगरानी में पीएचडी कर रहा हूँ। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि इतनी, मतलब मैं किसी भी तकल्लुफ से परे, मैं रिवायत से परे, मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी एनर्जी काम की सर आप कहाँ से लाते हैं, कैसे आती है? एनर्जी आप जैसे तालिबे इल्मों से मिलती है, एनर्जी अदब में काम करने वाले अदब के शायकीन से मिलती है। बस आप इरादा करें तो अपने आप एनर्जी मिलती चली जाती है। आप ये ना सोचें कि ये काम किस तरह से होगा। दरअसल काम का अज्म होना चाहिए, और अज्म अगर मुसम्मम हो तो असबाब भी मुहैया हो जाते हैं और अहबाब भी साथ आ जाते हैं, और खुद बखुद हिम्मत और हौसला होता है कि किस तरह से आप काम करें। बिल्कुल सर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा, मैंने कई लोगों को अपनी जिंदगी में भी देखा, मैंने बॉम्बे में और खुद यूपी में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े कामों को शुरू किया और इतने अज्म और हौसले के साथ शुरू किया कि लगता था कि शायद अब जो है वो इस तरह का काम अदबी सतह पर पहले कभी नहीं हुआ था, और ये काम जो हो रहा है वो अब थमेगा नहीं, वो बहुत एंथुजियास्टिक होके काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में मैं देखता हूँ कि वो काम जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप मुस्तकिल मुस्तकिल गुज़िश्ता, मैं जहां तक आपसे वाकिफ हूँ और आपकी जिंदगी से, गुज़िश्ता 15 बरस से आप जो लगातार काम कर रहे हैं, उस काम को आप किस तरह से अपना, अपनी इतनी मसरूफियत में वक्त निकाल के, अपने तमाम कामों से वक्त निकाल के, इतने अदबी कामों में आप किस तरह से सर, मतलब मैनेज कैसे करते हैं सर आप? देखिए, मैनेज की कैसे होता है और कैसे करता हूँ, दोनों दो बातें हैं। मैनेज किस तरह से होता है उसके लिए जरूरी है कि
कि आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, यानी घर के आपकी अहलिया, आपके बच्चे, घर का पूरा माहौल अगर आपके साथ है तब काम ये मुमकिन है, वगरना मुमकिन नहीं है। तो मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ, बेइंतहा करम है खुदावंद कुद्दूस का, और बुजुर्गान दीन की दुआएं शामिल हाल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी काम में मैं सिर्फ तनहा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ बल्कि मेरा पूरा घर उसमें इन्वॉल्व होता है। और सबको पता है कि मेरा रूटीन क्या है, मसलन रात को खाना खाने के बाद चूंकि बच्चे जब स्कूल जाने का वक्त होता है पहले सो जाते हैं या उन्हें सुला दिया जाता है, उसके बाद मैं उठता हूँ और 2-3 घंटा ज़रूर पढ़ता हूँ। और पढ़ने का मकसद ये है कि क्लास के लिए भी पढ़ता हूँ कि क्लास लेनी, और दूसरा ये है कि मुझे खुद अपने कुछ ना कुछ लिखने का शौक हमेशा से रहा है कि कलम में कहीं जंग ना लग जाए। अब कलम तो नहीं है, कीबोर्ड में कहीं जंग ना लग जाए। मैं हमेशा लिखता हूँ, बल्कि बच्चे कहते हैं अक्सर, बेटी हमारी खुद नॉवेलिस्ट है, बीए में पढ़ती है, बेटा भी इंजीनियर है, लेकिन ये पूरा क्रेडिट मैं अपने घर वालों को दूंगा। अगर ये घर का माहौल ना हो तो ये मुमकिन नहीं है, तमाम जिम्मेदारियां भी घर की होती हैं। तो मैं तो अपनी बेगम को ज्यादा क्रेडिट देता हूँ क्योंकि सारा सारी जिम्मेदारी वो निभाती है, तभी मुझे ये लिखने पढ़ने का, और बच्चों को भी क्रेडिट देता हूँ। और ये देखिए कि हमने ऑनलाइन की जहाँ तक बात है तो ये मेरा जौक व शौक है, जिसे अंग्रेजी में पैशन कहते हैं, ये शुरू से रहा है, मैं उस पर बाद में गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इन दोनों में जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, देखिए ऐसा है कि हमारे पास एक टीम है, और टीम से मुराद ये नहीं है कि जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे मजलिस अमला में शामिल हैं, बुनियादी तौर पर हमारे कुछ तालिब इल्म ही हैं, आप जानते हैं रुकनुद्दीन हैं, आप खुद उसमें शामिल हैं, और भी कई लोग हैं, बहुत मुख्तसर सी टीम है लेकिन बहुत डेडिकेटेड टीम है। यानी अगर मैं रात के 2 बजे भी उनको फ़ोन करूँ और कहता हूँ कि 1 घंटे के बाद ये काम होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होता है। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि एक तो घर का माहौल बहुत अच्छा है कि हर तरह से सपोर्ट मिलता है, दूसरा जिन जाहिर है अकेले को काम होता नहीं, उसके पीछे पीछे पूरा एक मंसूबा होता है, पूरी एक टीम होती है जिसका आपको पार्टिसिपेशन होता है, जिसके साथ मिलकर आप काम करते हैं। तो तालिबे इल्मों का एक ग्रुप हमेशा मेरे साथ रहा है और आज भी है, जिस तरह से डेडिकेशन इन तालिबे इल्मों में है, अल्लाह करे कि ये हमेशा कायम रहे। और असातिज़ा बुनियादी तौर पर दो इनकी शनाख्त होती है असातिज़ा की, एक तो शनाख्त उनकी खुद अपनी तदरीसी खिदमात की, दूसरी शनाख्त उनकी तसनीफी खिदमात की है, और तीसरी बड़ी शनाख्त जिसको हम पहले नंबर पर रखते हैं, उस्ताद हमेशा अपने तालिबे इल्मों से पहचाने जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द जिनको मैं अब अहबाब की फहरिस्त में रखता हूँ, रफीकार की फहरिस्त में रखता हूँ, यहाँ तक के जो रिसर्च कर रहे हैं उनको भी मैं, ये नहीं कि वो हमारे शागिर्द हैं तो वो बहुत ही एक दीवारें हायल हों, ऐसा नहीं, बेतकल्लुफी से उनसे बात करता हूँ, उनको तहरीक देता हूँ ताकि उनके अंदर तशवीक पैदा हो और वो भी हमारे साथ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 5-7 तालिबे इल्मों का ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही बेसिक ग्रुप, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान दुनिया में जहाँ पे देखें तालिबे इल्म मेरे साथ हैं और मुझे अपना उस्ताद समझते हैं, मैं उनको अपना अजीज शागिर्द समझता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर जहाँ मैं हूँ इस जमीन पर हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से ये सारा काम कर पाते हैं, अगर ये ग्रुप न होता तो ये मुश्किल होती है। दोनों चीज़ें साथ हैं तो जाहिर है ये अल्लाह का करम है, लेकिन तमाम चीज़ें अगर मुहैया हो, बावजूद अगर आपके पास फिक्र ना हो, ख्याल ना हो, कुछ करने का इरादा ना हो तो आप नहीं कर सकते। और यकीन मानिए कि मैं जो कुछ भी करता हूँ किसी मकसद के लिए, मकसद कई हो सकते हैं, माली मनफियत हो सकता है, शोहरत पाने की हवस हो सकती है, तमाम चीज़ें, लेकिन हमारे पास ना तो माली मनफियत पेश नज़र है और ना ये शोहरत की हवस है। अल्लाह ताला आप जानते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है वो इज्जत देता है। मैं इस पर यकीन रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हूँ तमाम खुलफाए राशिदीन पे, बुजुर्गान दीन पे, औलिया कराम पे, है ना, खुदा और रसूल के बाद ईमान और अकीदा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो काम मैं कभी बैठा नहीं रहा शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए मैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बहुत गरीब घराने से मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन इल्मी एतबार से बड़ा ही सर्वतमंद घराना था,
तो मैं मैट्रिक में था तब से मैं खुद ट्यूशन भी कर देता था और पढ़ता था, और ये सिलसिला एमए तक, जेएनयू में आने के बाद तक जारी रहा। फिर स्कॉलरशिप मेरा उसके बाद बंद हो गया, लेकिन ये रिसर्च भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका। 2 ढाई साल मैं रिसर्च के लिए बाजाब्ता तालिब इल्म रहा और हमारी नौकरी हो गई, और उसी दरमियान फिर हमने रिसर्च किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह जिसे चाहता है काम लेता है, लेकिन बुनियादी तौर पर काम करने का जो हौसला मुझे मिलता है, जो शौक है, वो इस वजह से कि अगर आप उर्दू न जाने तो गोया आप अपनी तहजीब को नहीं जाने, और हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान अगर उर्दू वो नहीं जानता है तो वो अपने मजहब को भी पूरे तौर पर नहीं जान सकता, अपनी तारीख और अपने असलाफ को भी नहीं जान सकता। ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें उर्दू से इसलिए मोहब्बत है कि वो हमारी तहजीबी जुबान है, इसलिए नहीं मोहब्बत है कि मैं उस पेशे से जुड़ा हूँ। ठीक है, उर्दू हमारी तदरीसी, यकीनन ये हमारे फ़राइज़ है, लेकिन ये हमारी तहजीब की जुबान है, ये हमारी असलाफ की जुबान है, ये हमारी तारीख की जुबान है। तो तारीख को जिंदा रखना वो अपने अलग अलग सरगर्मी से, इसीलिए बार बार मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ कि जो लोग जहाँ भी जिस तरह का भी काम कर रहे हैं वो काबिले सिफारिश है। मैंने कभी किसी पे तनकीद नहीं की और ना कभी करने का इरादा है। क्यों? कि जो काम कर रहे हैं उसे जरूर इस लायक समझना चाहिए कि कम से कम इस समत में एक कदम तो है। मुमकिन है वो कदम बहुत मजबूत हो, मुमकिन है वो कदम जरा किसी तरह का दिया जाता है, लेकिन कदम उठाना ये बड़ी बात है। तो मैं बुनियादी तौर पर जो इस लॉकडाउन में जब मैंने काम शुरू किया, हालांकि मेरे साथ कुछ मसाइल भी रहे, बावजूद मैंने ये देखा कि बहुत से अहबाब से गुफ्तगू हुई, उनमें से कई हमारे रफीकार थे जिनको मैंने देखा कि वो आखिर डिप्रेशन में चले, बिल्कुल बहुत काउंसलिंग करनी पड़ी, और इतनी काउंसलिंग करने के बाद मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हाल है। तालिबे इल्मों को मैंने देखा, तालिबे इल्मों से ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होता था, वो भी परेशान हाल थे, तो मैं हर रोज उनकी क्लास भी ले रहा था। और फिर आपकी, मैंने, और थोड़ा सा अगर आप जोर से बोलें, कुछ हाँ तो आवाज कम हो रही है। जी हाँ, अब आ रही आवाज सही? मैं उनकी क्लासेस के साथ ओके साथ, है ना, जी सोचा कि कुछ नया करना चाहिए, और मैंने रुबुद्दीन, हमारे खास तालिबे इल्म जो हमारे साथ यहाँ होते हैं, उनसे मशवरा किया, कहा कि क्यों नहीं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के तहत ये सारे काम शुरू होने चाहिए। तो एक यकी बाद एक काम शुरू होता गया, और ये काम करना उतना अहम नहीं है जितना का लोगों का साथ आना, सही ये बहुत है। और ये देखिए कि जब हम लोगों ने उर्दू के नाम से कई प्रोग्राम शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे प्रोग्राम मकबूल आम होते गए और बहुत पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम को क्रेडिट नहीं देता हूँ, मैं उन अहबाब को क्रेडिट देता हूँ जो हमारे प्रोग्रामों में जुड़े रहते हैं। दुनिया भर से जो अहबाब जुड़े हैं, हजारों हजार की तादाद, हजारों हजार की तादाद है, और ये पूरी दुनिया के लोग हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम मशरिक़ वुस्ता से लेकर के यूरोप, अमरीका, हर जगह से अहबाब जुड़े हैं। तो बुनियादी तौर पर उनका जुड़ना मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, और यही उर्दू के लिए कामयाबी की यही बात है कि पूरी काम। दुनिया से लोग आप लोगों को बस आवाज देते हैं और लोग जो है लब्बैक कह के जो है जुड़ जाते हैं। पता नहीं है कि क्या आपके अंदर जो है कशिश है सर, कि नहीं, लोग जो असल है क्या वो है, खुद ब नहीं खुद जुड़ते चले जाते हैं आपसे। वो मेरी मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, कमाल तो उन लोगों का है जो हमारी महफिलों में आते हैं और आकर के गुफ्तगू करते हैं, है ना। अब ये देखिए, जिनके लेक्चर्स हुए या जो लोग किताबों पे तबसरे कर रहे हैं या जो लोग इंटरव्यू में हमारी दावत पे शरीक हो रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर क्रेडिट तो मैं उन लोगों को देता हूँ। मेरा तो बस ये है कि हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है और तमाम शो उनका है, तो और ये मैं प्लेटफॉर्म तो भी ऐसा जो सबके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल चाहे कोई भी आए बिल्कुल और चाहे कहीं का भी हो, वो आए और उस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, ये एक बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। सर मैं जरा सा आपको, आपने गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है, आपको मैं जरा सा माजी की तरफ आपके लिए जाऊंगा। जब आप हम लोगों की उम्र वो के थे सर, शेर आप या सुन लीजिए, यादें जब माजी अजाब है यार आप सर हम लोगों की उम्र के थे तो जाहिर है कि इतना कुछ वसायल तो थे नहीं, और पीएचडी जब कर रहे थे आप, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उस जमाने में आपकी मसरूफियात क्या हुआ करती थी? आज भी नौयत की जाहिर है कि ये सब सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं उस जमाने में, तो आपके लिखना पढ़ना और रसायल में छपना यही सब मसरूफियात रही होंगी। उस जमाने में आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने किस तरह से काम किया उस जमाने में? देखिए, वो मैं कहता हूँ कि ये खुदादाद कुछ चीज़ें होती हैं कि खुदा अता करता है और वही आपके लिए प्लेटफॉर्म बनता है। देखिए, ऐसा था कि बीए तक तो मैं पटना में रहा, है ना, और वहाँ एक बड़ी अच्छी खासी उसमें
कहिए कि एक पूरा ग्रुप था, सौगतें बहुत अहम थी, इलमियत भी लोग थे, लाइब्रेरियाँ मौजूद थी, लेकिन मैं खुद पढ़ता था और अगर मैं अपने पढ़ने के लिए 3-4 घंटे लोगों को पढ़ाता था उसी पैसे से पढ़ता था मैं, ठीक है, तो उसी में गुजरा वो बीए तक तो वहीं उसी में। और चूंकि घर से बहुत तरबियत मिल चुकी थी इलमियत भी, तो वो चीज़ें जो सुनी थी बुजुर्गों से वो जहन में थी सारी बातें। एमए करने के लिए जब आया तो यहाँ हम एमए में तकरीबन 17 लोग थे, और मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ कि हमारे जितने क्लासमेट, एक तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कैंपस यूनिवर्सिटी, सबों को हॉस्टल मिला हुआ था, सब अपने अपने रूम में थे, तो जब यहाँ जो सिस्टम था सेमेस्टर सिस्टम हम सबों के लिए बिल्कुल नया था कि 3 ही महीने में एग्जाम भी देने हैं, सब टेम पेपर सेमिनार पर लिखना है, तो हम करते ये थे कि हम सारे लोग एक साथ खाने के बाद बैठते, है ना, और सबों को कुछ ना कुछ टॉपिक दे दिया जाता था कि आप अगर 10 टॉपिक पढ़ने हैं तो बहुत मुश्किल होती थी कि कहाँ से किताबें लाएं, तो अहबाब को हम लोग असाइन करते थे कि आपको इस बात पे बात करनी है, इस मौजू पे बात करनी। तो हम लोग हॉस्टल में हमेशा रात के 2-3 घंटे, तकरीबन हफ्ते में 3-4 रोज ऐसा गुजरता था कि हम लोग अपने जो निसाब में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं उस पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं ना, उसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा मौका मिला था कि चूंकि गुफ्तगू करनी है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, और इत्तेफाक है कि ज़्यादातर अहबाब हमारे कमरे में ही जमा होते थे, अक्सर हमारे पास सब लोग जमा होते थे, तो ये एक बड़ा मौका मिला अपने साथियों की वजह से कि हम सब मिल करके, उसमें शहबाज साहब थे, शकील खान थे, मैं था, बहुत सब लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें एक बात बताऊँ कि जब जारिफ का इम्तहान हुआ तो 17 में से कितना 12 लोगों ने एक साथ निकाला पहले साल जारिफ, और बाकी जो बच गए थे वो अगले साल उन्होंने निकाल दिया। और आज सूरत हाल ये है कि उन 17 में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बेरोजगार हो, ज्यादातर लोग बड़े अहम मुकामात पे फायज हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं ऑफिसर हैं, कहीं बिजनेस में हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मीडिया में, सब सारे उर्दू के रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो सब हमारे जितने क्लासमेट थे सब, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल मिला। लेकिन उससे अच्छा और एक और ये हुआ कि उसी जमाने में हमारे 2 सीनियर थे, प्रोफेसर अनवर पाशा और डॉक्टर तौहीद अहमद खान। डॉक्टर तौहीद खान बहुत मोहब्बत करते थे अपने जूनियर से, अनवर पाशा भी बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तौहीद खान साहब जरा बेतकल्लुफ रहते थे, अनवर साहब जरा सीनियर थे, तो जाहिर है कि हम लोग भी जरा सा दूरी मेंटेन करते थे, लेकिन वो भी बहुत शफकत से पेश आते थे। तो उस जमाने में इन लोगों ने रफ्तार अदबी फोरम बनवाया, और इत्तेफाक से उसे उसका मुझे पहले सेक्रेटरी बनाया, तो उससे जो सरगर्मियां उर्दू की हुई यहाँ, हर हफ्ते हम लोग कोई ना कोई अदबी नशस्त करते थे, और कोई भी ऐसा बड़ा नाम लीजिए, कुरतुल्लाह हैदर का नाम लीजिए, जमील जालवी का नाम लीजिए, जितने बड़े नाम हो सकते हैं, उन सबों को हमने उस प्लेटफॉर्म के तहत अपने रफ्तार अदबी फोरम के जरिए उनको अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाया, तो उससे एक बड़ा फायदा हुआ। देखिए बुनियादी तौर पर ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले तौहीद साहब हैं, अनवर पाशा हैं, इससे फायदा ये हुआ कि दिल्ली की जितनी बड़ी अदबी शख्सियात थी या दिल्ली से बाहर की, उन लोगों से हम लोग मुतारिफ हो गए और उन लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला रहा था, उससे उन लोगों की उन लोगों से मिलना, उनके सोबत में बैठना, जाहिर है एक बड़ी बात होती है, यादगार लम्हात हैं वो सब के सब, तो इनके साथ उठना बैठना और बहुत जल्द इन लोगों के दरमियान मेरा नाम चला जाना और फिर रस्म और राह का पैदा हो जाना। उस वक्त टेलीफोन तो घरों में हुआ नहीं करते थे सबों के, तो वो जाना ही पड़ता था मिलने मिलाने के लिए, तो वो एक जीना बना, बुनियादी तौर पर वो एक जीना था जिससे मुझे जरा उस छत पे चढ़ने में आसानी। आज तो हम लोग अनवर पाशा साहब को और तौहीद साहब को आपके साथ देखते हैं तो हम लोगों को एहसास ही नहीं होता है कि सबसे सीनियर हैं, बिल्कुल आप लोग एकदम दोस्तों की तरह साथ में रहते हैं, और यही ये मेरे लिए यही मैं नई नस्ल के बच्चों को कहता हूँ। नई देखिए एक बात कह दूं आपकी बात काट के, आज क्या है फर्क है, देखिए ना आप उस जमाने में हमारे पास मैंने घर से खत आने में 15 दिन का इंतजार करना पड़ता था, खत लिखते थे तो वहां पहुंचता था, अंदाजा होता था कि अब खत पहुंच गया होगा, मेरी खैरियत मालूम हो गई होगी, फिर वहां से खत चलेगा इसका अंदाजा होता था, फिर इंतजार रहता था, ये अब तो हम एक लम्हे में कहां से कहां चले जाते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से वो जमाना बदला। तो देखिए मामला क्या है कि हम लोगों ने हमेशा कभी किसी से रश्क तो रहा, रश्क रहा, हमारे 2-3 क्लासमेट ऐसे थे कि हम लोग हमेशा ये कोशिश करते थे किसको टॉप करना है, मैं नहीं बताऊंगा कौन टॉप किया, ठीक है, ये हमेशा,
और हम लोगों में एक दौड़ रही कि किसको ज्यादा पढ़ना है, कैसे नंबर हासिल ज्यादा करना है। तो बहरहाल ये भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से और हसद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे मुझे बहुत अहम सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि जाहिर है मैं जानता हूँ इस पे कुछ चीजें, चूंकि आपसे एक ताल्लुक भी रहा है। और लेकिन मैं उससे पहले आपसे, सर आपने बहुत अच्छा पस मंजर अपना बताया। अच्छा सर, मैंने जहां तक आपके दोस्त हैं खुशकर नूरानी साहब, जाहिर है उन्होंने बहुत सी बातें आपके बारे में मुझे बहुत पहले बताई थी, तो मुझे मालूम ये हुआ था कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका पहले हो गया, यहाँ यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं पीएचडी के बाद, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे जो है वो अपना टारगेट अचीव करना है, और आपने उस यूनिवर्सिटी से जॉब छोड़ी और फिर दोबारा अपना टारगेट अचीव किया। इसकी इसके पीछे क्या कहानी है सर? ये बताऊं आपको, ये 1997 की बात है जी। बिहार में इंटरव्यू हुए लेक्चरशिप के, प्रोफेसर वहाब अशरफी साहब चेयरमैन थे, वो बहुत चाहते थे कि मैं वहाँ आ जाऊँ बिहार, और उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी में मेरा तकरर किया, और उसमें मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर नसीर अहमद खान का बड़ा हाथ है। रांची ज्वाइनिंग हुई और मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 3 महीने गुजारे। उस 3 महीने में मैंने किसी को नहीं देखा कि कभी इल्मी अदबी गुफ्तगू हो रही हो, सब एक दूसरे के पीछे। अच्छा, वहाँ कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिली, और कोई इस तरह जो इन्वायरमेंट दिल्ली में मिल गया था, जिसका आप बहुत एक मामूली लफ्ज है कि जिसका चस्का पड़ गया था वो कुछ नजर नहीं आया। तो उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ा रहा था और रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पे था, यहाँ से मैंने छुट्टी ली थी और जाके ज्वाइन किया था। रिजाइन नहीं किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिजाइन नहीं किया था, लेकिन इस दौरान जब हम अपने बच्चों को ही छोड़ के चले गए थे दिल्ली में ही, और कौन कौन था उस वक्त? शादान थे उस वक्त सिर्फ। अच्छा, शादान भाई थे। हाँ, और हमारे बिरादर निस्पति तनवीर साहब घर पे रहते थे साथ में, तो इनके लिए छोड़ के दिया। उस दौरान बहुत छोटे थे, उस वक्त 3-4 साल के थे। तो हुआ ये कि रांची गया, तबीयत नहीं लगी, माहौल नहीं मिला पढ़ने पढ़ाने का, और जब क्लासरूम में जाता था तो जहाँ जो जिस लेवल पे हम जेएनयू में पहुंच चुके थे, उस लेवल पे अगर हम गुफ्तगू करना चाहते थे तो बात नहीं बनती थी। तालिबे पूछते थे सर नोट लिखवा दीजिए या नोट दे दीजिए। अच्छा, न कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना नोट लिखा ना नोट से पढ़ा, अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला था। अच्छा, जब मैं बात करता था तो कुछ तालिबे उनमें से बहुत अच्छे थे, और जो फिर बाद में दिल्ली आए और उन्होंने बहुत अच्छा किया, और अब कहीं उस्ताद हैं वो। तो ये चीज मुझे बहुत नागवार गुजरी। तो जब दिल्ली आया तो हमारे गाइड प्रोफेसर नसीर अहमद खान ने कहा कहाँ चले गए, आपको दिल्ली में रहना चाहिए। उन्होंने बहुत कन्विंस किया, लेकिन घर का दबाव था कि इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हो, अब परमानेंट नौकरी को रिजाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत नहीं लग रही थी, वहाँ रहना बहुत मुश्किल था, और यहाँ आरजी थी नौकरी, 3 साल और बचे थे। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह मसबूबुल असबाब है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। हुआ ये कि फाइनली मैंने रिजाइन किया, अब जो रिजाइन घर पे कयामत, ये क्या किया, क्योंकि घर वालों की भी ये एक तमन्ना होती है कि बेटा बड़ा हो जाए तो जल्दी से घर को संभाले। तो वहां नाराजगी हो गई, दोस्त अहबाब ने जिसने सुना तो कहा कि क्या बात हो गई, आपने ये क्या हिमाकत की। तो उस वक्त तो वाकई कभी कभी मुझे भी लगा कि ऐसी तो ऐसी बात तो नहीं, लेकिन अफसोस नहीं हुआ मुझे, अलहमदिल्ला बरकैफ। तो खैर, वो जमाना गुजरा, 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि फिर अलहमदिल्ला जेएनयू में मेरा तकरर हुआ। और यकीन मानिए, अगर वो फैसला मैंने नहीं लिया होता, वो बहुत बड़ा फैसला था जिंदगी का, कि लोग नौकरियों के लिए दर भागते हैं, और वहाँ वशफी साहब भी बहुत नाराज हुए, प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब का साथ हमेशा रहा, इसलिए यहाँ तक मैं आया। तो फिर जेएनयू में जब तकरर हो गया तो इत्मीनान हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हूँ। तो अल्लाह तो रोजी देने वाला। जेएनयू में आपका किस सन में तकरर हुआ था? 2000 में। सर आप जेएनयू जब आए, 94 में मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, और दिसंबर 94 तक मैं वहाँ रहा, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आया। तो जिस जमाने में आप जेएनयू आए होंगे, जमाने तो बड़ा, यहाँ तो बिल्कुल जंगल होगा उस जमाने, तब तो अभी तक जंगल है, तब तो और सूरत हाल अजीब सी होगी। तो जेएनयू के इब्तदाई दिनों के बारे में कुछ सर बताइए, जब आपने यहाँ ज्वाइन किया तो कौन कौन आपके साथी थे, और उस जमाने में मेरे ख्याल से शायद मोहम्मद हसन वगैरह भी शायद थे डिपार्टमेंट, तो
तो कौन कौन सर उस जमाने में साथी थे आपके? देखिए, एक तो ये है कि आप तालिबे इल्म हैं तो कभी मेरे वेबसाइट पे जाइए, मैंने लिखा है जेएनयू की लाल दीवारें और मेरे शब्द, तो उसमें कुछ हमने जेएनयू में इब्तदाई दिनों में क्या माहौल था, क्या सूरत हाल, उसका उसका जिक्र किया है। बल्कि आपने पूछा तो मैं बताऊं, वो बड़ा बहुत अच्छा जमाना था। देखिए, वो हमारे असातिज़ा में प्रोफेसर मोहम्मद हसन थे, प्रोफेसर नसीर अहमद खान, प्रोफेसर सदीकुर्रहमान किदवई, प्रोफेसर असलम परवेज और डॉक्टर अशफाक मोहम्मद खान, सारे हमारे असातिज़ा थे। मेहरबानी खामोश हो जाइए आप लोग। ये हमारे सारे असातिज़ा थे, उनके साथ हम लोग बहुत सीखने को मिला और ये बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते थे। मुझे याद है कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब, जब हम क्लास में जाते थे तो पिछली क्लास में जिस लफ्ज पर उन्होंने क्लास खत्म की थी उसी लफ्ज से दूसरी क्लास शुरू करते थे, और क्या बेहतर क्लास होती थी। प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब ने लसानियात जिस अंदाज से पढ़ाया, प्रोफेसर सदीकुर्रहमान के भाई, तमाम असातिज़ा बहुत ही लायक फायक थे, बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। हमेशा लाइब्रेरी में बैठना, किताबें पढ़ना, एक टर्म पेपर लिखने के लिए 10-15 किताबों तक पहुंचना, मैं पहुंचने की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हें रेफरेंस देने के लिए वो सारी किताबें जरूरी थी, तो एक माहौल मिला। और जो सीनियर तो हमारे थे, उनको भी देखता था मैं, तो सीनियर में मैं इन लोगों का नाम लिया, खासतौर पर दो ही नाम बहुत अहम है, एक डॉक्टर तौहीद खान साहब का और प्रोफेसर अनवर पाशा का, इसके अलावा डॉक्टर अबुल लै साहब जो मगध यूनिवर्सिटी में है उनका, और डॉक्टर अबरार रहमानी साहब जो आजकल से अभी रिटायर हुए एडिटर के पोस्ट से, ये सारे हमारे सीनियर थे। बहुत अच्छा माहौल था उस वक्त, यकीनन इतने सारे हॉस्टल नहीं थे यहाँ जेएनयू में और इतनी आबादी नहीं थी, आज तो तकरीबन 9,000 कैंपस की आबादी है, है ना, उस जमाने में मुश्किल बमुश्किल तमाम 2,500-3,000, तो इसलिए सब लोग एक दूसरे को चेहरे से पहचानते थे, ये फना शख्स से फना शख्स, तो रवाबित बहुत गहरे थे, सब एक दूसरे से मिलते थे। उर्दू के शोबे के अलावा भी जो दूसरे शोबे के लोग होंगे उनसे भी आपके भाई जितने भी, एक तो हॉस्टल में सब तरह के लोग होते थे, सबों से रवाबित होते थे, हॉस्टल के बाहर भी तमाम स्कूलों के तालिब इल्मों से, तालिबात से बराह रास्त ताल्लुक हुआ करते थे, ज्यादातर लोग एक दूसरे को पहचानते थे वो पहले से। तो बहुत उस जमाने में देखिए, जो स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ करता था, जो डिबेट होता था, वो खालिसतन इल्मी बुनियादों पर डिबेट होता था, है ना, और वही प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे जो बहुत ही पढ़े लिखे होते थे। तो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं शुरू के जमाने, उस जमाने में कि वो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता था वही वहाँ यहाँ का प्रेसिडेंट होता था, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैंने अपने आप को सियासत से दूर रखा और मैं ज़रा इन चीज़ों में ज़्यादा रहा, और इसको रफ्तार अरबी फोरम के मैं मुस्तकिल उसका 3 दफ़ा सेक्रेटरी रहा, 2 दफ़ा सदर रहा, तो 7-8 साल तो ऐसे ही निकल गए। बल्कि जब मैं यहाँ उस्ताद हुआ उसके बाद भी मैंने अपने तालिबे इल्मों से कहा कि आप उसको जारी रखें, लेकिन मुझे अफसोस है बल्कि ये कहते हुए कि हम लोग के वहाँ भी जब हम थे उस जमाने में भी हर शख्स चाहता था कि ये जगह मुझे मिल जाए, और उसका हक है, हर आदमी का हक है, लेकिन अल्लाह ने जिसकी कसम पे लिखा होता है वही उसको मिलता है। तो जिसको अगर मिल गया तो राजी बरजा होना सीखिए, राजी बरजा होना सीखिए। अगर आपने राजी बरजा होना नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि कभी शाकी मत होइए, शिकायत मत करिए, सब्र का दामन हाथ से में छोड़िए, और दूसरे पे हसद मत करिए। अब क्या है, रश्क नहीं होता है, हसदें बहुत, एक दूसरे के पीछे पड़ जाना ये बहुत ही खराब बात है। तालिब इल्मों में अब मैं देखता हूँ कि वो रब्त और इश्तराक नहीं रहा, वो मोहब्बतें नहीं है, वो खुर्बतें नहीं है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चल के आपको नुकसान करेंगी। मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, जब हम लोग आए थे जेएनयू में उस वक्त हम लोग जोर से सलाम करते थे तो सलाम का जवाब नहीं दिया जाता था, खालिसतन कम्युनिस्ट माहौल था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने भी ठान रखी थी कि सलाम ही करेंगे। फाइनली वो असातिज़ा जो सलाम से गुस्सा होते थे उन्होंने वालेकुम सलाम कहना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह, देखिए ये मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं और आपको लोग आदाब भी कह रहे हैं, और बेशक इकराम सर की शख्सियत तारुफ मोहताज नहीं है, मकनातीसी कशिश है सर में, ये तो आपके जो है चाहने वाले जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं। सर, अल्लाह ने हर इंसान को एक खासियत दी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी उंगलियों के निशानात, आप ना आप आधार कार्ड बनाने में फिंगर प्रिंट्स लिए गए होंगे, जिस तरह से उंगलियों के निशानात सबके अलग अलग हैं, करोड़ों करोड़ इंसान मौजूद हैं लेकिन निशानात अलग हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला ने करोड़ों करोड़ इंसानों को बनाया है, हर के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई एक मखसूस खूबी रखी है, तो अब उस खूबी को असल आपको पहचानना है,
वो आपकी खूबी, लेकिन ये मकनातीसी कशिश जो है सर, ये आपकी खूबी है। ये मेरी नहीं, वो और लिखने मैं वालों देखता की, हूँ ये कि लिखने कई वालों लोग की जो है होगी। वो मैं आके अभी आपसे जुड़ते चले जाते हैं। नहीं, मैं अभी कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो जी जिसने भी लिखा हो वो उसकी खूबी होगी। आईना जी के सामने जब इंसान जाता है तो उसको अपना चेहरा नजर आता है। मैं अभी भी बहुत ही हकीर खाकसार इंसान हूँ, और अल्लाह करे कि कभी तकबर जहन पे सवार ना हो, अल्लाह सर, माफ कर। ये आपने मंजिल ब मंजिल, मंजिल ब मंजिल, जाहिर है कि मैं देखता हूँ कि उर्दू पढ़ने वालों में, खास तौर से आप, जाहिर दुनिया आपने ज्यादा देखी है, उर्दू पढ़ने वालों में हिंदुस्तान में, बल्कि बड़े सगीर की बात करूं मैं, तो एक तरह का एक मतलब एहसास कमतरी पैदा हो जाता है कि हम उर्दू पढ़ रहे हैं, क्या पता हमारी क्या शनाख्त होगी दुनिया में, लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और मतलब इतनी तरक्की मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, एक स्टेबल जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो ये कई तरह की कश्मकश जो है वो आजकल के स्टूडेंट्स में है। जाहिर है कि आपने भी मंजिल ब मंजिल तय किया, आपने मतलब कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आया आप, बल्कि आपने मंजिल ब मंजिल तय करके आप पूरी दुनिया में जो है अपनी शनाख्त कायम की, और इतना बड़ा आपने अपना एक नेटवर्क बनाया, लोग आज आपकी इतनी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर ये सब करने के लिए आज के स्टूडेंट्स में जो एहसास कमतरी है वो कैसे दूर होगा, और दूसरे ख्वाजा इकराम कैसे पैदा होंगे, और कैसे लोग ख्वाजा इकराम साहब की तरह मंजिल ब मंजिल तरक्की करेंगे? ये लफ्ज वापस लीजिए। हर आदमी अपने आप में बड़ा है, हर आदमी अपने आप में है ना, उसके वो अपने नाम से जाना जाए ये जरूरी है। पर क्यों, तो मैं ये कह रहा था, देखिए अगर आप पूरी दुनिया पर देखें, छोड़िए आप उर्दू वालों की बात, मैं करूँ पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया में आप ये देखिएगा कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले सर बुलंदी के साथ घूम रहे, बाकी तमाम सब्जेक्ट के लोग कहीं ना कहीं एहसास कमतरी के शिकार हैं। इसलिए कि आज का जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का, लेकिन बावजूद उसके पूरी दुनिया में सारे उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, सारी जबानें पढ़ाई जा रही हैं। हर इंसान है ना, चाहे वो बंगला पढ़ने वाला हो, मराठी पढ़ने वाला हो है ना, या तमिल तेलुगु कोई भी जबान पढ़ने वाला हो, वो अपने आप को जब दूसरों को देखता है तो खुद ब खुद उसको लगता है क्या हम जबान पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई इल्म अपने आप में नामुकम्मल नहीं है, नाकिस नहीं है, हर इल्म अपने आप में बड़ा है। शर्त शर्त यह है कि वो उस मंजिल में, उस इल्म की मंजिल में आप कहाँ तक जाते हैं। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा अपने तालिबे इल्मों को कहता हूँ, पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा हमसे ये कहते थे कि अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं और बेहतर उर्दू जानना चाहते हैं तो आपको फारसी आनी चाहिए और अरबी की शुद्ध-बुद्ध होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते तो आप कमा हक कहो उर्दू क्लासिकी लिटरेचर तो बिलखसूस पढ़ ही नहीं सकते है ना। आप देखिए फसाने अजायब का, नौतर्ज़ मरसा, इवन करबल कथा, अगर आप हिंदी नहीं जानते तो वो नहीं पढ़ सकते, नहीं पास। ठीक है ना। तो वो एक जमाना, आज का जमाना ये है कि जरा सा बदल गया था, नया अदब, जदीद अदब, नजरियात, मगरबी नजरियात ज्यादातर हैं। तो मैं अपने तालिब इल्मों से कहता हूँ कि उर्दू के साथ साथ तालिब इल्मों से क्या, मैं तो तमाम जबानों के जानने वाला, के जबानों के एक जबान के साथ साथ आप दूसरी जबान में उतनी ही महारत हासिल कर लें तो आप कभी बेकार नहीं बैठ सकते। एक दूसरा ये कि आप सिर्फ सनद हासिल करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो कामयाबी अगर अल्लाह दे दे, नवाज दे, तो बेशक अल्लाह नवाज सकता है, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो कामयाबी के इम्कान बहुत कम रह जाते हैं। एक दूसरी बात यह है कि इस भीड़ में अपनी पहचान बनानी है ना आपको, इस भीड़ में अगर पहचान बनानी है तो कैसे बने, इस तरह बनाएंगे या तो आप अपने मजामीन के जरिए, अपने कॉलम के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, अपने प्रेजेंटेशन के जरिए, कोई ना कोई रास्ता तो आपको अख्तियार करना पड़ेगा, तर्जुमे के जरिए, बहुत सारे रास्ते हैं, आपको अपनी एक पहचान बनानी है। आप ये सोचिए कि हम हर चीज कर लें तो फिर कोई चीज नहीं होगी, पहले एक आप मुंतखब करिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद उसमें आपको शनाख्त मिलेगी, ठीक है, और उसके लिए आपको जौक शौक भी होना चाहिए। तो मैं न सिर्फ ये कि सिर्फ उर्दू के तालिबे इल्मों बल्कि तमाम जबानों के तालिबे इल्मों को और साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर सब्जेक्ट के लोग जो भी उर्दू पढ़ रहे हैं है ना, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि हर इल्म अपने आप में बड़ा है, उस इल्म में आप कितना कुछ कर पा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और एक बात ये गलतफहमी है कि क्या उर्दू पढ़ने वाला सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि उसे प्रोफेसर बनना है, ये क्या बहुत बड़ा, हिंदी बहुत आम सवाल है।
या हिंदी पढ़ने वाले को सिर्फ यही सोचना है कि उसे उसे प्रोफेसर बनना है, ये गलत बात है। आपको अपने मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ इम्कान है। हाँ, ये जरूर है कि इम्कान की कमी है, ये इसको इसका भी एतराफ़ करता हूँ, लेकिन इसी कमी में अपनी मंजिल को ढूंढना ये बड़ी बात होती है। और मंजिल ढूंढने वालों को मिल रही है मंजिलें। कुछ लोग जो बस सिर्फ सनद हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मंजिल मिलना जरा मुश्किल होती है, ये तो आप जानते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप पढ़िए और मुताला पर ध्यान दीजिए और अपने आप में अपने आप को साबित करिए। इस भीड़ में आपको साबित करना है, चाहे जिस तरह से साबित कर सके। अपनी पहचान अगर आप कामयाब हो गए तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे और आप रास्ते खुद खुद बनते चले जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत सही कहा सर आपने। ये एक एतमाद की जरूरत है, हम सब में ये एतमाद होना चाहिए कि जो काम करें वो लगन से करें और जो काम करें वो मेहनत से करें। आपके जाहिर है कि आपके शागिर्दी में हूँ मैं, और मैंने मुख्तलिफ ख्वाजा इकराम को देखा है, जो हमारे हमें जो क्लास में ख्वाजा इकराम साहब आते हैं वो हमें जरा सा मुख्तलिफ लगते हैं, जिससे हम लोगों को जरा सा डर भी लगता है। और जो बाहर होते हैं ख्वाजा इकराम साहब, वो बहुत ही मुशफिक होते हैं, बिल्कुल एक सरपरस्त की तरह, के कोई भी आपको बात हो, कोई परेशानी हो, तो आप ख्वाजा साहब के पास चले जाइए और वो आपको जो है वो बहुत आसानी से चीजें बताएंगे, समझाएंगे। तो सर, इतने सारे स्टूडेंट्स जो एक साथ आपके रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं, सबके साथ यकसा रवैया, सबके साथ मोहब्बत से पेश आना और सबका ख्याल रखना, जाहिर है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे असातिज़ा की निगरानी में स्टूडेंट्स हैं, वो तक आपसे जो है वो आके जुड़ जाते हैं। तो ये इसके पीछे क्या राज है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहे, जो आप एक बार कहते हैं और सब दौड़े चले आते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? आपके मुआसरीन तो चलिए ठीक है, आपके दोस्त हैं और उनसे जाहिर है कि आपका एक ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि एक नया बच्चा आया है, बीए में आया है, एमए में आया है, और वो भी उसी तरह से ख्वाजा इकराम साहब से जुड़ा हुआ है जिस तरह से 20 साल पुराना कोई दोस्त जुड़ा हुआ है। तो ये क्या क्या इसके पीछे राज है? इसके पीछे कुछ राज नहीं है, इसके पीछे सिर्फ यही बात है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम की बुनियादी तालीम यह है कि अपने अजीजों से शफकत से मिलो और बड़ों से मोहब्बत और अकीदत से मिलो। तो ये मुझे घर में भी सिखाया गया और ये इस्लाम भी हमें सिखाता है। तो ये रवैया अपनाना जाहिर है एक इस्लामी शियार है, एक बात। दूसरी बात, ये एक उस्ताद का फर्ज बनता है कि अपने तालिब इल्मों को, सिर्फ वो पुराना जमाना नहीं है कि आप छड़ी लेकर के उनको सुधारते रहें, उस छड़ी से नहीं सुधरते, मोहब्बत से जितना पेश आते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि आप जैसे आप या अभी कामरान नजर आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर बन गए, तो मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। बैठ के मैं ये कह रहा था कि हम असातिज़ा का ये फर्ज मनसबी है, मैं तो कम अज कम अपना फर्ज मनसबी समझता हूँ। आपकी आवाज सर बंद हो गई है, म्यूट हो गया। अरे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो तो एक इस्लामी शार है, हमारा फर्ज मनसबी है बहसियत उस्ताद के तमाम तालिब इल्मों से बगैर किसी इम्तियाज के, बगैर के। हमारे अंदर मुसलमान भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, हर इलाके के लोग हैं, और न तो मैं इलाके के, मैं किसी से कभी पूछता ही नहीं कि तुम कहाँ के रहने वाले, सिर्फ इसलिए नहीं पूछता कि अगर मैं पूछ लूँ तो खुदा न खास्ता कहीं तासुब की बू ना निकल आए, है ना। कभी नहीं पूछता कि तुम किस इलाके से हो, कहाँ के रहने, जहाँ जिस इलाके के हों, जिस खत्ते के भी हों, जहाँ के भी हों, है ना, मेरे लिए सब बराबर। और मोहब्बत करना, अकीदत बुजुर्गों से करना, ये तो हमें बचपने से सिखाया गया और ये हमारा इस्लामी शार भी है। इसलिए मैं अपने तालिब इल्मों से उसी मोहब्बत से मिलता हूँ और ये समझता हूँ कि ये आज हमारे तालिब इल्म है, यही हमारे सिपाही हैं, यही हमारे इस बड़े मैदान के सब कुछ हैं, इन्हीं को आगे चल करके इस विरासत को संभालना है। तो अगर हमने इनकी हौसला अफजाई न की तो कौन करेगा? तो इसलिए मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, जबानी अमली तौर पर तो क्या कर सकता हूँ, मैं अल्लाह करने वाला है, लेकिन मैं ज़रूर हौसला अफजाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई सख्त, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस तरह की बातें भी अगर कोई करता है तो मैं उससे खातिर में कभी नहीं, मुझे मालूम है बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना, लेकिन मैंने कभी मनफी बातों को अपनी गिरह में बांधा ही नहीं, कभी नहीं। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के जो नौजवान तालिफ आप खुद भी, आप सिमराद आप नहीं है, आप सिमराद आपकी नस्ल के सारे लोग,
आप सब के सब तुनक में जा सकते हैं। एक दूसरी बात, बहुत तेजी से सब कुछ हासिल कर, मैं आपसे सिर्फ मुखातब नहीं पूरी नस्ल से मुखातब, है ना, बहुत जल्द सब कुछ। तो वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, और किस्मत आपकी तदबीर से बनती है। बैठ मत जाइए, हजरत मूसा का किस्सा याद रखिएगा, है ना, बैठ नहीं जाना है दरख्त पे कि अल्लाह रोजी देने वाला है तो मिलेगा, दरख्त पे नहीं बैठना, बल्कि आपको तदबीर करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि आज के नौजवान बहुत जल्द सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, मुलाजमत भी, शोहरत भी, इज्जत भी। देखिए ये तो कुदरत का निजाम है, आप जिसके साथ जैसा सलूक करेंगे आपके साथ वैसा ही सलूक किया। तो आप सबों से, आप आपका नाम लेके आपको मुखातब करके, आप हमारे अजीज हैं, मैं तमाम तालिब इल्मों से और आपके हम असरों से और नौजवान नस्लों से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए कभी मनफी न सोचिए, किसी के लिए मनफी मत कीजिए। अगर आप किसी के लिए मनफी करेंगे ना, तो मनफी करने में जितनी ताकत आप सर्व करेंगे, वो ताकत आपकी आधी ताकत जाया होगी, जहनी तौर पर भी आप उलझन में रहेंगे। तो उसको जहन से झड़क दीजिए कि आपको किसी ने क्या कहा, आपके लिए कोई क्या सोचता है, उनको खातिर में लाइए ही नहीं। आप हमेशा अपने मकसद पे निगाह रखिए और मुसबत काम करिए, वरना ये मनफी ताकतें तो इर्द गिर्द घूमती रहती है। हर शख्स कुछ कह देगा, मालूम हुआ कि आप महाजाराय पे उतर आए तो आप पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या। तो एक तो ये है कि अपने कामों पे फोकस कीजिए और जो जो कहता है उसको कहते भी, जाहिर है कि अभी एक दो, ये नाचियाना बात हो गई, इतनी कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी नसीहतें कदम कदम के साथ हैं और ये मुस्तकिल जो है वो लोगों के मैसेज आ रहे हैं। सर आयशा सिद्दीका साहिबा ये कहती हैं कि मकनातीसी कशिश के साथ साथ सर से हौसला भी मिलता है, सर की उर्दू बहुत म्यारी है, इन दिनों घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और मुहिबा, कोई मुहिबा साहिबा है या मुहिबा साहब है पता नहीं मुझे, लेकिन वो कह रहे हैं अगर बिल्कुल सर से जो हौसला, सर से जो हौसला मिलता है, हौसला अफजा शख्सियत के मालिक है सर। तो और ये कोई गनी साहब हैं, ये भी कह रहे हैं कि सर की खिदमत में सलाम, देर से आया माजद, बहुत मुफीद गुफ्तगू। तो ये सब आपके जो है चाहने वाले यहाँ मैसेज कर रहे हैं सर। अब आपकी जो, जाहिर है कि हमने एकेडमिक जिंदगी और आपके जेएनयू के दिनों के बारे में गुफ्तगू करी और आपके स्टूडेंट्स के बारे में, अब मैं आपकी जरा तसनीफी जो आपकी मसरूफियात रही हैं, आपकी जो किताबें हैं, जाहिर है कि आपकी बहुत सी अब तक किताबें आ चुकी हैं, जरा सा अपने तसनीफी कामों के बारे में हमें बताइए कि सर आपने इतने इतने मसरूफ वक्तों वक्त में से किस तरह से लिखने पढ़ने के लिए वक्त निकालते हैं, किस तरह से आप अपनी, जाहिर है कि अभी आपकी किताब मुशाहदात और सफर के हवाले से तो मुझे आपसे सवाल करना ही है इतना सफर तो शायद ही उर्दू वालों में किसी ने किया हो, तो किस तरह से सर आप वक्त निकालते हैं और अपने लिखने के आपके क्या औकात हैं, आपके क्या रूटीन है कि किस तरह से आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं? देखिए, एक हमने हमेशा जहन में ये बात रखी है, और आपको ये बताऊं ये तारीफ नहीं है, बल्कि वालिद मोहतरम को देखा, हालांकि बहुत जल्दी दुनिया से चले गए जब मैं मैट्रिक में था, और उसको से ख्वाहिश होती थी कि क्यों हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में आया, उसी वक्त मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हुई, मजहबी किताब थी। और उसके बाद कॉलेज वगैरह के मैगजीन में लिखना का एक शौक हुआ कि कॉलेज के मैगजीन में अगर लिखा जाए तो क्या अच्छा होगा, तो इस तरह से एक दो जगह छपा। फिर उसके बाद उस जमाने में रेडियो ही सबसे बड़ा मीडियम हुआ करता था, तो कई आर्टिकल भेजे रेडियो में कि शायद रेडियो पटना में शायद कभी बुलावा आ जाए, बुलावा आ जाए। तो आखिरकार 10-15 भेजने के बाद बुलाया तो लिया गया। अगर मैं थक हार के बैठ जाता कि नहीं बुलाया जाएगा तब तो कभी नहीं बुलाया जाता, लेकिन मैं भेजता रहा। और उस वक्त याद है मुझे कि वो उर्दू सर्विस पटना से जब भी कोई प्रोग्राम नश होता था, हफ्तावारी एक अदबी प्रोग्राम होता था, उसमें उसके लिए मैं लिखता था कई प्रोग्राम। उस जमाने में हेडिंग आती थी बाज़ाब्ते अखबारों में कि फलां साहब हवा के दोष पर, है ना, ये हेडिंग आया करती। और उस वक्त बड़ा पॉपुलर वो मीडियम था रेडियो पर पढ़ना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये हुआ क्या कि कॉलेज मैगजीन में लिखा, उससे पहले एक छोटी सी किताब लिखी, और उसके बाद वो मकबूल हुई। फिर उसके बाद कॉलेज मैगजीन से अच्छा लगा कि अच्छा लिखें तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, रेडियो में पढ़ा तो और अप्रिशिएशन मिलता गया,
तो इस तरह से लिखने लिखाने का हौसला बनता गया। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज में कॉलेज मैगजीन के लिए इदारती बोर्ड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई तो वो भी एक मैगजीन हमने निकाला अपनी इदारत में इस तरह से। और उसके बाद पहली किताब जो हमारी आती है वो आती है 93 है ना, 93 कौन सी किताब थी? वो हमने उसलूबियात पे काम किया था, रशीद अहमद सिद्दीकी के उसलूब का तजियाती मुताला, उसलूब ये नसीर अहमद खान साहब के अंदर में मैंने किया था। उसके बाद फिर ये किताबें किताब लिखने मजामीन लिखने मजामीन भी बहुत लिखता था। आपको याद होगा नहीं तो सारे कोई अखबार ऐसा नहीं है बड़ा अखबार कि हफ्ते में मेरा कॉलम न छपता हो, है ना। ये कामरान को मालूम है कि इसी कॉलम की वजह से दुनिया भर के लोगों से पहली शनाशाही कलमी शनाशाही यहीं से होती है ना। उस जमाने में टेलीविजन आहिस्ता आहिस्ता बाद में पॉपुलर होने लगा और इंटरनेट तो बहुत बाद की बात है, तो वो प्रिंट अखबार निकला करते थे। तब मैं खत के जरिए मेल के जरिए, अच्छा उर्दू में मेल करने के लिए मुझे बड़ा शौक था कि कैसे उर्दू में मेल कर सकता। तो उस वक्त हमने उर्दू का सॉफ्टवेयर खरीदा था, उर्दू माहिर तकनीक से आप बहुत जल्दी तकनीक से जुड़ने की वजह यह है कि एक हमारे तालिब इल्म है, मैंने कहा ना कि कभी कभी तालिब इल्म भी उस्ताद को सिखाते हैं। एक तालिब इल्म है राग़िब अख्तर, आप जानते हैं राग़िब अख्तर जी, हाँ। उन्होंने कहा सर मैं इंटरनेट के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उस वक्त तक मैंने अपना कंप्यूटर खरीद लिया था लोन लेकर के, बहुत शौक था कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर था, ईमेल था, उर्दू लिखने की कोशिश करता था, लेकिन कोई वो जो है ना विंडोज में वो कुछ इनबिल्ट उर्दू का कोई सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था। तो वो मैंने पाकिस्तान से मंगवाया एक सॉफ्टवेयर उर्दू पाक डेटा डॉट कॉम, और उसके जरिए मैं उर्दू में यूनिकोड में लिखना शुरू किया। जब लोगों को लिखता था भेजता था तो लोग हैरत करते थे कि आप उर्दू कैसे लिखते, तो मुझे खुशी होती थी कि चलो मैं उर्दू लिख रहा। तो राघिब जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं साइबर स्पेस पे काम करना चाहता हूँ। तो राघिब ने जब एमफिल में रजिस्ट्रेशन कराया तो उन्होंने कहा कि अब मैंने काम करवाना है तो मुझे भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा जानना पड़ेगा, तो इस जानब में मुड़ा है ना। और फिर उसके बाद मैंने ये डिजिटल मीडिया की तकनीक को सीखने की भी कोशिश की, पढ़ने की भी कोशिश की। और फिर राघिब को मैं बारहा कहता रहा कि तुम अपनी किताब ले आओ, और राघिब वो किताब आज तक नहीं ला सके, लेकिन मैंने फिर वो किताब जदीद तकनीकी वसाइल उर्दू जबान की जदीद तकनीकी वसाइल और इम्कान, वो किताब मैंने शाया की। मेरा ख्याल है वो उर्दू में जदीद तकनीकी एतबार से तो नहीं कहूँगा, दो हिस्से में है वो किताब, एक हिस्से में। राघिब भाई का आपने एक इसी नौयत की किताब थी गालिबन शायद यही थी जिसमें राघिब साहब ने मजमून भी लिखा था, जो राघिब साहब से आपने मजमून लिखवाया था। हाँ जी, तो राघिब साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, वो किताब छप जाती तो बहुत अच्छा होता जी। तो इस किताब को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, एक तो इम्कान क्या है उस पर, लेकिन वो हिस्सा जो मेरा ख्याल है वो पहली गुफ्तगू थी कि बरकी वसाइल का उसलूब क्या है। उस जमाने में ब्लॉग राइटिंग बहुत मशहूर हुआ था, अब तो बहुत सारे मीडियम आ गए, उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं आया था, फेसबुक भी नहीं आया था, ब्लॉग राइटिंग शुरू हुई थी। तो ब्लॉग की जो तहरीरें थी उसका उसलूब बिल्कुल अलग था, तो उस उसलूब पर मैंने गुफ्तगू की, उस उसलूब का जायजा लिया, तो ये एक बड़ी बात हुई। बड़ी बात क्या हुई, एक नई बात नहीं, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर वो किताब शाया हुई कई जगह से, हिंदुस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी, और वो काफी मकबूल हुई। अब तो वो एक टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से, आप जो तकनीकी, लेकिन फिर सिलसिलेवार आपने जो है वो उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का बहुत बड़ा काम आपने जो है कंटिन्यूअसली किया। वो जब खुद मैं ढूंढने लगा और जब मुझे उर्दू की चीजें नहीं मिलती थी तो बहुत अफसोस होता था। तो आपको मालूम है कि सारे तालिबे इल्मों को मालूम है, बहुत सारे हमारे खुद हमारे कॉलम मौजूद है मेरे वेबसाइट पे, दुनिया भर के अखबार में मैं लिखता रहा कि उर्दू को किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में मैंने इस पर पेपर पढ़ा, तो उस वक्त लोग जरा कहते थे ये अलग हट करके बात कर रहे हैं, अदब पे क्यों नहीं बात करते। लेकिन अब देखिए वही जमाना है और वही दौर आ गया है कि उस पर आपको लिखना पड़ेगा और आप बगैर उसके आगे बढ़ने से। तो सर आपके जो तसनीफी काम है इसके मेरे ख्याल से शायद आपने कौंसल एनसीपीएल जब ज्वाइन किया है तो आप जेएनयू से शायद अलग हो गए थे कुछ दिन। नहीं, वो असल मामला क्या था, वो डेपोटेशन फुल फ्लेज्ड अगर हो तो आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमने सोचा कि क्लास भी ना छूटे और वो ड्यूअल जिम्मेदारी हमारे पास थी, दोनों जिम्मेदारियां डायरेक्टर होने के बावजूद मैं क्लास लेकर के सुबह क्लासें अपनी सुबह करवा ली थी हमने,
क्लास लेके जाता था और फिर वहां शाम रात गए तक रहता था। तो दोनों जिम्मेदारियां काम जी, यहाँ जेएनयू में भी था बैसठ प्रोफेसर और वहां बैसठ डायरेक्टर, दोनों जगह काम कर रहा था और जेएनयू से तनख्वाह ले रहा था, वो तो बस एक इजाफी काम था लेकिन फुल फ्लेज काम था। अब थोड़ा सा एनसीपीएल के जमाने का, जाहिर है कि आपके बहुत सारे कामों से एनसीपीएल के जमाने के हम खुद वाकिफ हैं, लेकिन आप अपने उस पीरियड को तर कैसे याद करते हैं कि एनसीपीएल में जब आप रहे और आपने इतने अहम काम करवाए वहां, और लुगत पे भी मेरे ख्याल से शायद आप ही के जमाने में काम शुरू हुआ था वहां, और कितने नए नहीं नए तक सेंटर्स खुले। प्रेस पहुंच गया था, प्रेस जी जी प्रेस पहुंच कंप्लीट हो गया था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया था गया जी, और आपने पूरा जमाने में जो जो काम किए। अब उस जमाने को सर, जाहिर है कि एनसीपीएल में थे और एक मुझे लगता है कि शायद कुछ एक बहुत इंटरनेशनल प्रोग्राम कराया आपने, पूरी दुनिया के अदीबों को बुलाया भी था, तो सर वो उस दौर को याद करते हैं सर आप, कुछ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप डायरेक्टर थे और माजी की अच्छी यादों को तो मैं हमेशा याद रखता हूँ, है ना, जी और तल्ख यादों को कभी याद नहीं रखता। अगर याद रखूँ तो वाह जिंदगी तलखियों से भर जाएगी, ठीक है। तो हालांकि तलखियां हमेशा आती हैं रास्ते में और आनी भी चाहिए, अगर नहीं हो तो आपको तहरीक नहीं मिलेगी। अगर बहुत आसानी से सारे काम हो जाएं तो आपको तहरीक नहीं मिलेगी। जिंदगी में अगर तलखी होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, इतने बड़े इदारे में जाना और सारे वसायल वहां मौजूद थे, तो जरूरत थी कि फौरन कुछ नया काम किया जाए। तो आपको याद होगा कि 6 महीने के अंदर मैंने ऑनलाइन उर्दू लर्निंग सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया था। अच्छा, 6 महीने में लॉन्च हो नहीं सकता था, और चूंकि मुझे इस सिलसिले में पहले से मालूम था, काम कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और मेरा एक बहुत पहले मजमून मौजूद था 2006 में लिखा था वो, कि साइबर मीडिया और उर्दू की तदरीस। अब 2006 और 2012 में मैं डायरेक्टर बना हूँ, तो तमाम चीजें जहन में थी। तो 6 महीने के अंदर अंदर ऑनलाइन उर्दू सॉफ्टवेयर लर्निंग सॉफ्टवेयर आ गया, 17-18 ममालिक से लोग जुड़ गए उसमें सीखने वाले। तो चूंकि वो बड़ा इदारा था, वसायल मौजूद थे, फाइनेंस बहुत मौजूद था, और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे वाइस चेयरमैन प्रोफेसर वसीम बरेलवी थे और मैं, हम लोगों में हम आहंगी रही, कभी किसी मामले में ना इतफाक, कभी नहीं। एक दूसरा, कपिल सिब्बल साहब उस वक्त मिनिस्टर हुआ करते थे एचआरडी के, तो उनसे मेरे जाती मुलाजिम थे, उससे फायदा ये हुआ। अच्छा, वो लोग भी देखते हैं कौन काम कर रहा है, नहीं काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इतने बड़े बड़े काम किए, जैसे काउंसिल में पहली दफा वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन, वर्ल्ड सेमिनार है ना, आलमी उर्दू सेमिनार का नाम और बाजाबता स्कीम मैंने बनाई, और ये सेमिनार हुए, उसमें 27-28 मुल्कों से लोग आए थे। लेकिन इससे पहले हम सेमिनार करने का तजर्बा था, आपको मालूम है कि इससे पहले हमने सफरनामों पे सेमिनार कराया था जिसमें 12 ममालिक से लोग आए थे, और वो किताब भी छपी हुई है सफरनामों पे। तो मैं डायरेक्टर भी नहीं था, सिर्फ जेएनयू का एक प्रोफेसर के हिस्से से कराया था। तो वो ये था कि इतना बड़ा इदारा और क्यों नहीं आर्मी सेमिनार हो सकता है। तो बाज़ाब्ता इसके लिए हमने फंड मुख्तस कराया गवर्नमेंट से, आज वो भी डायरेक्टर आएगा, वो फंड उसके लिए मौजूद है, वो करना ही है, मैंडेटरी, वो स्कीम का एक हिस्सा है, करना ही करना है, ना करे तो फंड जाया होगा। तो ये है बच्चों का रिसाला, चूंकि बच्चों का रिसाला आपको हैरत होगी, कुछ तकनीकी मजबूरियां थी, कुछ सरकारी इदारे की मजबूरी थी कि उस रिसाले की खरीदारी 1 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। अब आप सोचिए कि उर्दू का एक रिसाला अगर 1 लाख से ऊपर बिक रहा है तो क्या मतलब बोलिए, तो आउटस्टैंडिंग, तो पढ़ाने जा इसका रहे। तो मिसाल ही नहीं है ऐसे। तो उसकी एक मजबूरी ये थी कि वो सिर्फ 10 रुपए का रिसाला था और हम बल्क में 5 रुपए में देते थे, ठीक है। तो जितना 1 लाख छापने से कॉस्ट भी नहीं निकल पाता था। तो इस तरह बहुत से लोगों ने शिकायतें भी कि ये तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बर क्या, ये सब मनफी बातें मैं नहीं कहूंगा, ये आपने उस लेकिन जमाने में, जी उस जमाने में आप ही की वजह से, मैं तो खुद सदफ मिर्जा साहिबा से हम लोग मिलने आए थे और आपने जितने लोगों को बाहर से बुलवा लिया था, हम लोग तो सिर्फ उनके नाम ही सुनते थे, और रेख्ता का मेरे ख्याल से उसके काफी बात शुरू हुआ, जिसमें इसके हम बाद बात, बहुत और बात जानते शुरू हैं ये काम मैं करना चाहता था डिजिटल जी ई लाइब्रेरी का, और वो इत्तफाक है कि वक्त कम रहा, और ये 3 साल की मुद्दत होती है, 3 साल में कितना कुछ कहा किया जा सकता है। तो स्कीम पास होते होते रह गई, पास तो हो चुका था लेकिन हमारे बाद फिर उसको कैरी ऑन नहीं किया गया, वरना रेख्ता तो बहुत बाद में शुरू हुआ। बहुत बात है और सर। उसी तर्ज का एक मनसूबा मेरा बना हुआ है, आज भी मौजूद है एनसीपीएल में, मैं भी बना चुका था लेकिन वो नहीं हो सका किसी वजह से, लेकिन रेख्ता ने किया, मैंने उसका एतराफ किया और संजीव सराफ को आलमी कॉन्फ्रेंस में बुलाया,
और बुला करके बाजबता उनका एतराफ किया कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको हमने मेहमान एजाजी के तौर पर स्टेज पर बैठाया, लोगों से मुतारिफ कराया कि संजीव सराफ साहब। तो काम का जो भी काम कर रहा हो चाहे कहीं से कर रहा हो, आप बिल्कुल, आपके वहां तो एक एतराफ तो हमेशा रहता है, जो भी आदमी काम करे उसको आप एतराफ करते हैं, बुलाइए, पसंद ना पसंद अपनी जगह पे, लेकिन उर्दू का कॉज अपनी जगह पे। बिल्कुल नहीं, आपने हमेशा, मैंने देखा कि जिन लोगों ने काम किया, जिस सतह पे काम किया, उसका आपने बड़ा एतराफ किया और उसकी हौसला अफजाई की। तो अब सर ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल होगा, लेकिन मैं तो आज भी ये चाहता हूँ कि इस काउंसिल में ख्वाजा इकराम साहब हों, और हम लोग जो है ख्वाजा इकराम साहब से जो है वो और भी काम लें और भी सीखें इंशाल्लाह। अभी और भी इदारे हैं, खुद आपका वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन जो है वो इतना बड़ा काम कर रहा है। अब सर हालिया दिनों में जो आपके मंसूबे हैं, जो आपके काम हैं, जो आप कर रहे हैं, इसमें मतलब ये किसी मंसूबे के तहत काम हो रहा है या मतलब एक रेंडमली काम चल रहा है कि आप मतलब एक तो आपका एक बड़ा आपकी बड़ी ख्वाहिश ये है जिसका आपने वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के तारुफ में भी लिखा है कि आप पूरी दुनिया के अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए एक ये काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें बहुत सी परेशानियां भी आती होंगी, आपको बहुत सी परेशानियां फेस करना पड़ती होंगी, इतने दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना, उनसे जुड़ना, उनसे बात करना, उनसे वक्त देना, तो ये मतलब एक बड़ा बड़ा काम है, इतना एक टीम का काम है, बहुत बड़ी टीम का, वो आप अकेले सर अंजाम दे रहे हैं, तो वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन जो है पूरी टीम मौजूद है, नहीं टीम तो बारह, लेकिन कोई बहुत बड़ी, जाहिर है कि कोई सरकारी मदद नहीं है, कोई एक कोई से कोई फंडिंग नहीं है, उसके बावजूद भी आप ये काम खुद तने तना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके सर और भी कुछ मंसूबे हैं आपने, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के क्या मंसूबे हैं? कुछ नहीं है, देखिए इसका जो मंसूबा है वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है, ज्यादा मंसूबे हम कर भी नहीं सकते, हम आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, एक आदमी को उतना ही सोचना चाहिए जितना वो कर सकता है। तो हमारा ये काम है कि दुनिया भर में जो अदीब फैले हुए हैं उनके दरमियान रब्त और इश्तराक की सूरतें निकल सके, नई नस्ल जो हमारी है उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा रवाबित रखने हैं, चूंकि यही मुस्तकबिल हमारे हैं, तो नई नस्ल को अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो गोया आप अपने मुस्तकबिल से नाआशना है, तो हम अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं इसलिए नई नस्ल को साथ रखते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी अदीब शायर जितना बड़ा नाम आप ले लीजिए, अल्लाह का शुक्र है उनसे ज़ाती बरासत ज़ाती मुलाकातें हैं, इसलिए ये काम आसानी से होता है। और यकीन मानिए कि पिछले दिनों जब वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन 2019 में जब वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के बैनर से हमने बड़ा एक आलमी सेमिनार किया जिसमें तकरीबन 12 गैर मुल्की मंदूबीन शामिल हुए थे, और वो रज़मिया शायरी पर, और मैं दावा कर सकता हूँ कि रज़मिया शायरी पर मरासी को लोगों ने कई एतबार से देखा, तालिबे इल्म पढ़ते हैं कि हमें मरसिया कसीदा पढ़ना है, उनको समझ में नहीं आता है कि सिंफ क्या है, बस अगर रट के चले गए तो वहीं तक रह गए, लेकिन इस तरह की असनाफ नात और मरसिया या तो इनको अकीदत की निगाह से देखा गया सही, ठीक है, और फन की निगाह से देखने की कोशिशें कम की गई। मैं तो कहता हूँ कि उर्दू शायरी में मरसिया ही वो सिंफ है, वो जो रज़मिया शायरी के ज़िम्न में आते, हमने मरसिये को रज़मिया शायरी के तौर पर आलमी अदब में प्रमोट करने की कोशिश की, पहली दफा रज़मिया शायरी पर मैंने ये सेमिनार किया, और मेरा ख्याल है आज तक रज़मिया शायरी पर सेमिनार नहीं, 500 सफ़े की वो किताब जो अभी अमेजोन पर मौजूद है, मेरा ख्याल है रज़मिया शायरी पर इतने मज़ामीन आपको कहीं नहीं कहीं नहीं, तो जो हमारे पास खजाना मौजूद है उसको आलमी अदब पे क्यों नहीं हम मुतारिफ कराते। रज़मिया शायरी जो आप कहते हैं कि एपिक पोएट्री दुनिया की सबसे पावरफुल पोएट्री होगी, तो जिसके पास एपिक पोएट्री होगी वो दुनिया का पावरफुल लिटरेचर होगा, तो अदब हमारे पास मरसिया जैसी सिर्फ मौजूद है जो एपिक पोएट्री में आती है, हम क्यों नहीं मुतारिफ करा सकते, है ना? हम हिंदुस्तान में रहते हुए रामायण महाभारत का बड़े फख्र से नाम लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन मरसिया क्यों नाम में लेते हैं, क्यों शर्माते हैं, हमारी सिंफ है आपकी सिंफ है, और इसमें क्या सिर्फ मुहर्रम का वाक है, सिर्फ अकीदत की बात है, शायरी को देखिए तो शायरी का कमाल शायरी की मेराज आपको नजर आएगी, और रज़मिया शायरी की इससे बेहतर मिसाल आपको कहीं दुनिया में मिलेगी नहीं, तो आपको पेश करना है ना, आप अपने खजाने को वो कंबल में लपेट के रखेंगे तो कौन देखेगा, हीरे को कंबल में लपेट के रखने की आदत तक छोड़िए, वो मुहावरा था, अब हीरे को बाहर निकालना पड़ेगा, आज का दौर सरफी दौर है, आपको दिखाना पड़ेगा,
मैं ये कह रहा था वर्ल्ड ऑफ द एसोसिएशन 4, 5, 10 हमारे तालिबे उन्होंने मिल करके दिन रात मेहनत की, अब सब लोग शामिल हैं और वो इतना कामयाब सेमिनार हुआ। यकीनन हमारे पास पैसे बहुत कम थे लेकिन किया किसी तरह से। इस साल भी एक सेमिनार होना था लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा तो मैं नई नस्ल के साथ, रिसर्च स्कॉलर नए असातिज़ा के साथ एक नए मौजू पर, वो मौजू अभी आपको नहीं बताऊंगा, नए मौजू पर तो आपके तो शागिर जो है वो खुद, हम लोग भी ये सोचते रहते हैं कि सर कभी मिस्र में जो है सेमिनार करवा रहे हैं, कभी जो है वो मॉरिशस में करवा रहे हैं, तो आप तो जाहिर है कि अक्सर ही अपने तमाम शागिर्दों से ये कहते हैं, तमाम स्टूडेंट से, रिसर्च स्कॉलर से ये कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ाओ और जब अगला प्रोग्राम होगा तो वो भी उसमें शरीक करेंगे। आपके वहाँ एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जाहिर है कि ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लिखने पढ़ने और दुनिया देखने। तो उसमें भी हमने तालिबे इल्मों को देखिए बड़ी तादाद है, जिसमें करीब 50-55 लोग थे, उसमें तकरीबन 20 के आसपास हमारे नए रिसर्च स्कॉलर और नए असातिज़ा थे। तो हमारी हमेशा ये तरजीह होती है कि नया, यहाँ तक के उस वक्त जब हमने सफरनामे पर सेमिनार करवाया था उसमें भी नई नस्ल को तरजीह दी सफरनामे पर। बर्ग तुम एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और इतने लाइक्स और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं मैसेजेस तमाम पढ़ भी पाऊंगा, आपसे गुफ्तगू करते हुए एक घंटा कैसे गुजर गया मालूम ही नहीं हुआ। बस अब मैं आपका बहुत, आपने वक्त दिया है, 10-15 मिनट आपसे और लूंगा समय, बहुत बुनियादी बातें 2-3 और पूछना है मुझे आपसे। एक तो ये सर के आप, मैं खुद देखता हूँ कि आप बहुत सारी मुखालफतें, वो मुखालफतों का चट्टान की तरह मुकाबला करते हैं, आए दिन लोग तरह तरह के सवालात उठाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और आप तक जो है वो कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप हर कमेंट पर सिर्फ मुस्कुरा कर जो है वो किसी भी तरह का कमेंट हो, वो ख्वा किसी ने अखबार में लिखा हो, ख्वा किसी ने मैगजीन में लिखा हो, आपके चाहने वाले हालांकि बहुत ज्यादा है लेकिन वो जो 2-4 लोग वो आपकी मुखालफत में लगे रहते हैं, आप उनकी बातों को कभी सीरियस नहीं लेते और मुखालफत को आप हंस के जो है टाल देते। तो जाहिर है कि मुखालफत को झेलने का मादा भी जो है हमारे वहां आमतौर पर लोगों में मौजूद नहीं होता, और एक शख्स इतना काम करे और उसके बाद उसकी मुखालफत हो तो उसे एक झल्लाहट हो जाना चाहिए कि भाई ये मैं तो इतना काम कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरी मुखालफत हो, आपको झल्लाहट क्यों नहीं आती सर? नहीं नहीं देखिए, अगर आपने इस्लाम को सही से समझा तो आपको कभी इन मुखालफतों से डर नहीं होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं, बिल्कुल खुल्फाए राशिदीन की मुखालफत नहीं, सही मैदान करबला आपको याद है, हैं तमाम तमाम चीजों को देखिए। तो हम लोग तो बहुत छोटे से और छोटे इंसान हैं, बहुत छोटे, तो हम तो नेमत समझते हैं इन मुखालफतों को, है ना, मुखालफतें तहरीक देती हैं बुनियाद, इसलिए मैं हंसता कोई मुखालफत करता है तो और मुझे तहरीक मिलती है चलो इससे आगे बढ़ के एक और काम करना है। तो मुखालफतों पर बाज लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं जी, मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साथ देता है हमेशा अगर आप नेक नियति से, बहुत मुखालफतें होती रहती हैं और होनी भी चाहिए, ना हो तो जिंदगी का मजा क्या, रात अगर नहीं होगी तो सुबह के सूरज का आप इस्तकबाल करेंगे। मैं नॉर्वे वाले चले जाएं जहां 6 महीना रात होती है 6 महीना दिन होता है, उनसे पूछिए शब और रोज की खिदमत क्या है, हमसे पूछिए शब और रोज की कीमत क्या है। तो मुखालफत से कभी घबराना नहीं चाहिए, हाँ ये जरूर है अगर आपने गलत किया है तो आपको एतराफ कर लेना चाहिए कि मुझसे गलत है, अगर गलत किया है तो एतराफ कर लेना चाहिए, हो सकता है नादानिस्ता इंसान इंसान होता है तो गलतियां हमसे भी हुई हैं और लोगों से भी होती हैं, तो अगर आपने गलत किया तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी की गलती की तरफ इशारा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। एक बहुत बहुत अच्छी बात की आपने, गलती की तरफ इशारा करने, सही बात। और सर अगला मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि जाहिर है कि आपकी इल्मी विरासत जो है वो मुंतकिल हुई है आगे, और अभी सना साहिबा का हम लोगों ने नॉवेल का इजरा हुआ था और अंग्रेजी में उनका नॉवेल आया, आप खुद उस तकरीब में थे, मैं भी था, कई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, आप कैसा महसूस कर रहे थे सर उस दिन कि आपकी बेटी, मैं एक बात नॉवेल आया, शुक्र है अल्लाह का कि वो अंग्रेजी में लिख रही है, सना मेरी बेटी है अंग्रेजी में लिख रही है, अगर वो उर्दू में लिखती तो लोग कहते मैंने लिख के दे दिया है। लेकिन बहरहाल लिटरेचर से तो वो जुड़ी हुई है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा उर्दू जानती है और उर्दू में शेर भी कहती है और अफसाने लिखती है
और आपको खुशी होगी कि आपका नॉवेल जो है इंटरनेशनली मशहूर हुआ। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि उसकी एक नई पोएट्री की किताब आ रही है। अरे वाह, अब आप देखिए कि 6 मुल्कों के नौजवान तालिब इल्म, 6 मुल्क, अब उसमें खुदा शायद है मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, 6 मुल्कों या 4 मुल्कों के नौजवान शायरात और शायर का मजमूए कलाम है अंग्रेजी में आ रहा, और बहुत बड़ा पब्लिशर है दिल्ली का, वो शायर कर रहा है, ठीक है, और ये सब उन लोगों ने खुद किया है ना। मैंने यही कहा कि शुक्र है तालिब, अगर ये उर्दू में होती तो लोग कहते तो दे रहा है बेटी नाम का। नहीं, वो तो बहुत जीनियस है, जाहिर है कि उन्होंने एक अच्छा सा अल्लाह का शुक्र लिखा, और कई चैनल्स पे हमने देखा कि उनके नॉवेल्स पे बात भी हुई। हाँ, मैं तो हैरत में रह गया जब उसका इंटरव्यू उस टेलीविजन पे आ रहा था, आधे घंटे का इंटरव्यू था, पहली दफा इंटरव्यू उसने दिया है टेलीविजन पे, मैं खुद हैरत में था कि मैं कैमरे से डर लगा, और जिस बेबाकी से और जितनी खुश उसलूबी से उसने इंटरव्यू दिया, ये तो मैं फख्र से मेरा सर बुलंद हुआ कि चलो अल्लाह ने एक साले औलाद अता की है पढ़ने लिखने वाली। तो मैं खुश रहता हूँ अपने बच्चों से, बहुत पढ़ते लिखते हैं, अच्छा करते हैं, बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, अभी तो बीए फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर का एग्जाम दे रही है, एग्जाम से पहले उसने किताब हवाले कर दिया। और आप अगर हो सर, नॉवेल अगर हो तो सर एक बार अगर आप दिखा दें, अगर नॉवेल की कोई कॉपी आपके आसपास रखी हो तो, बहुत ही अच्छा नॉवेल है, और अगर तलाश करना पड़े तो कोई मसला नहीं। नहीं, यही कहीं होगी, लेकिन ये वो ग्रे टावर नाम है उस नॉवेल का, है ना, ग्रे टावर के नाम से वो नॉवेल है, और वो खैर वो किताब तो मौजूद है, अवेलेबल है मेरे ख्याल से, शायद अमेज़न पे भी अवेलेबल है। हाँ, चले उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये तो एक बहुत अच्छी वो तकरीब भी हुई थी, और उसके बाद हमने सना साहिबा के इंटरव्यूज भी देखे, आपकी मसरत भी काबिले दीद थी। हाँ, तकरीब क्या करनी थी, दरअसल मैंने सोचा कि आप बड़ी हो गई है, उसी दिन उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में मैंने कहा बर्थडे का तोहफा क्या दिया जाए, तो ये ग्रेट टाउन, वाह, सना फातिमा साहिबा, ये है हमारी बेटी, है ना। अभी हालांकि सना साहिबा बहुत छोटी हैं, इन्होंने मुझे भी किताब दी थी तो उसमें दुआइया कलमात लिखे थे, और आसिफ आजमी साहब ने मुझसे कहा कि देखिए आपको दुआ दी है, आपका मुस्तकबिल जो है सवरे का। तो नहीं, मुझे खुशी है, देखिए बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना, और यकीन मानिए तालीफ एक बात और, सना की किताब से जितनी खुशी हुई, आप लोगों की जब किताब आती है तो यकीन मानिए अल्लाह मुझे बड़ी खुशी। अब आपकी किताब आई, रुकुद्दीन की किताब आई, महवश की किताब आई, इम्तियाज के जितने तालिब इल्म हैं हमारे सब, अभी इन दिनों लियाकत की किताब आई, लियाकत की किताब आई, तो जितने जितने शागिर्द हमारे तकरीबन सब की किताबें आ गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और ये लगता है कि जो दरख्त है ना उसमें एक नया फल आ गया। हम लोग तो खुद हम लोग आपसे जो है सीखते हैं, लिखने पढ़ने की तहरीक लेते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, देखिये एक बात मैं आपसे, तमाम मसरूफियात बहुत होती हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, ये और बात है कि घर की जिम्मेदारियां हमारी बेगम संभालती हैं ज्यादा, है ना, बच्चों की हो जो भी हो, बच्चे खुद होशियार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हर हाल में पढ़ता जरूर हूँ, है ना, पढ़ता जरूर हूँ कि हफ्ते में आप ये देखिए कि शायद एक दो दिन ऐसा हो जब मौका ना मिले, लेकिन जरूर मुताला करता हूँ, और आप लोग पढ़िए जरूर, तभी तो नजर रहती है वरना नहीं रहती। एक दूसरा ये कि कोई साल ऐसा मेरा नहीं जाता है जिसमें एक नई किताब ना आती है, ना, हर साल, और कभी कभी ऐसा हुआ कि साल में 2 किताबें आ गई, ठीक है, तो जाहिर है लिखता हूँ तभी आती है किताबें, लेकिन सिर्फ किताब ही नहीं, आप मजामीन देख लीजिए, रिसर्च पेपर आते हैं हर साल, कुछ ना कोशिश करता हूँ 4-5, तो आप पढ़ने लिखने से, बुनियादी काम हमारा पढ़ना लिखना है ना, तो आप तालिबों से गुजारिश है कि बुनियादी काम आपका पढ़ना, पढ़िए लिखिए, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना है, व्हाट्सएप पे वक्त गुजारना हो तब तो 24 घंटे आसानी से गुजर जाएगा। सर, अच्छा, मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ, कई लोगों ने इस बीच, इस बीच हमारे बच्चे या बेगम कभी हमारा फोन उठाकर देखती है, क्या करते हैं आप, मैंने कहा क्या कि ये कम अज कम 500-600 मैसेजेस अनरीड होते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते, मैंने कहा इतना पढ़ने लगूं तो बाकी टाइम नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो होते हैं और बहुत शॉर्टकट मैसेज, मैं भी किसी को लिखता हूं तो बहुत मुख्तसर जुमले लिखता हूं, 2-3-4-5 जुमले ज्यादा नहीं लिखता, अब अगर आप पूरा 10-20 लाइन का व्हाट्सएप पे लिखिए तो वक्त बर्बाद होता है ना, तो ये वक्त बर्बादी का भी सवाल है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर लगातार आपके लिए सवाल मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, तो मैं किस किस का नाम लूं, मैं किस किस का पढ़ूं, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं के लिए दुआएं और शुक्रिया सबको,
देख रहा हूँ आखिरी दो सवाल सर मुझे बस आपके साथ, मैंने बहुत वक्त लिया आपका, दो सवाल बस आखिर में आपसे मुझे पूछना है। एक तो बड़ा शरारती सा सवाल है, आपकी छोटी सी बेटी है सर, वो जो है हम लोग कभी भी घर जाते हैं तो जो है बहुत इधर उधर जो है वो दिखता हूँ मैं, शरारत करती है, उनको आप सारा वक्त सारा की बात है, सारा पकड़ा की बात कर जी 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 सारा की, तो उनके भी जाहिर है कि वो भी तो आपसे वक्त चाहती होंगे ना कि भाई तो कहाँ। वक्त, हाँ यकीन, हाँ ये तो देखिए ऐसा है, जब इन चीजों में मैं वक्त देता हूँ तो यकीन उनका वक्त लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर घर वालों का साथ ना होगा तो ये सारे सारे काम नहीं हो सकते। तो बुनियादी तौर पर ये देखिए, जो जो टेक्निकल मामला है ना सारे, हमने जितने भी और भी जो यूट्यूब ये वो सारी चीजें बुनियादी तौर पर हमारे बेटा बेटी और हमारे तालिबे इल्म सब देखते हैं, है ना। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पर वक्त नहीं दे पाता, और गोया ये एक मुश्तरका काम है हमारे तालिबे इल्मों का, हमारे घर का, और पूरा घर शामिल होता है। अगर घर शामिल ना हो, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला का मैं बे इंतहा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने ये माहौल अता किया। अगर माहौल न मिले तो यही घर आपके लिए नहीं कर सकते। बहुत सारे नहीं कर लोगों सकते, को बिल्कुल लगता है नहीं कर कि घर सकते, जहन्नम बन जाता है, तो बिल्कुल शुक्र है। सलाहियतें हाँ भी खत्म हो जाती हैं अगर घर का सपोर्ट ना हो, बिल्कुल बात सही। बिल्कुल और मैं आपके सफर ना सफर के मुताबिक तो पूछूंगा नहीं, वरना बहुत वक्त हो जाएगा, क्योंकि सर आप सर मैं नाजरीन को ही बता दूं कि सर की मुशाहिदात एक किताब आई है, उसमें सर ने दुनिया जहान के जितने भी मुल्कों का सफर किया है सब पे बहुत ही अच्छे सफरनामे लिखे हैं आप सर, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के सर शायद है वो किताब नहीं, मुशाहिदात। वो अभी हमने उसकी PDF इसलिए नहीं डाली है कि पब्लिशर का नुकसान हो जाएगा। पब्लिशर वो ने जो कहाँ से छपी है पब्लिशर, सर, जरा अगर आप बता दें तो लोगों के ब्राउन बुक से लिए, छपी है, ब्राउन मेरा बुक ख्याल है से कि आने वाले हफ्ते में वो अमेजोन पे अवेलेबल होगी, है ना। अमेजोन तो पे, बिल्कुल ब्राउन से अभी ले सकते हैं या अमेजोन से एक हफ्ते के बाद उस किताब को ले सकते हैं। मेरी भी किताब, सना की भी किताब ले सकते वाह। आखिरी आखिरी सवाल सर आपसे, इन दिनों हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से जो है वो इश्तराक के साथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं किताबों पर, अंजुमन से आपका ताल्लुक और अथर फारूकी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे आपका ताल्लुक कितना पुराना है, और अथर फारूकी साहब से आपका, जाहिर है कि मैं तो आप दोनों के दरमियान इन दिनों काम कर रहा हूँ, तो मैं नाजरीन को भी ये बता दूं कि जब भी किसी किताब का मामला होता है, किसी मौजू का मामला होता है, तो मैं किसी कौन किताब पे बोलेगा इसका मामला होता है तो मैं अथर फारूकी साहब को फोन करता हूँ, तो वो कहते हैं ख्वाजा साहब से पता कीजिए, ख्वाजा साहब से फाइनल करवाइए, ख्वाजा साहब को फोन करता हूँ तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि अथर फारूकी साहब से फाइनल करवाइए, तो मैं जो हूँ वो दो बड़े लोगों के दरमियान जो है ये इस कशमकश का शिकार रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक बात बताऊं, जो बड़े इदारे हुकूमत के हैं ना, ये देखने में तो इदारे हैं अपने आप में, लेकिन इदारे मुतहरिक होते हैं अफराद से, कि उस इदारे का सरबराह कौन है। सरबराह की वजह से वो इदारा बहुत ऊंचाइयों तक भी जा सकता है और खामोश भी रह सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मुनसर करता है कि इदारे का सरबराह कौन है। खुशी की बात है, अतर फारूकी साहब, हम लोग के बहुत पुराने कदीम ताल्लुकात हैं, दोनों तालिब इल्म रहे एक साथ इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, दोनों फिर अपने अपने मकसद में कामयाब हुए और बड़े बड़े अहदों पे दोनों मौजूद हैं अलहमदुलिल्लाह। तो एक बड़ा भाईचारगी का, बेतकल्लुफ और बे लॉस, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे किसी काम के लिए, जाती काम के लिए कहा हो या मैंने कहा हो। आज तक अंजुमन से मैंने अपनी चाह होता तो किताब छप सकती थी, मैंने कहा भी नहीं, कहीं से भी छप सकती थी, ठीक है, लेकिन मैंने एक पब्लिशर को दी। तो ये हम लोग का जाती मफाद के लिए काम नहीं होता है। उन्होंने भी हमेशा उर्दू के लिए, देखिए अंग्रेजी में मजामिन लिखे और मुबाइस सारी चीजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे हाथ में अंजुमन है। और जब उन्होंने ये कहा कि किताबों पे गुफ्तगू होनी चाहिए, तो ये बड़ा बहुत अहम है कि किताबों पे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो, तो हमने बखुशी से कबूल किया और हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं और बहुत ही मकबूल है। यानी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है किताबों के सीरीज का जिसे 15,000 से कम लोगों ने देखा हो, ये बहुत बड़ी तादाद बहुत है। बड़ी बात, तो और हम किताबों पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे बात भी हुई थी कि नई नस्ल की किताबों को भी हम शामिल करेंगे, और इस तरह से हम उस फॉर्मेट को चेंज करते रहेंगे और उसको और दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अतर फारूकी साहब से बड़े कदीम ताल्लुकात हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की एक बड़ी तारीख रही है। ऐसे इदारों को इन हालात में कम से कम इस तरह का काम अगर कर रहे हैं तो अच्छा काम है, बड़ा काम।
ये बहुत बहुत ही अच्छी गुफ्तगू सर आपके साथ रही, और मेरे ख्याल से आमतौर पर आपसे इतना बात करने का वक्त भी नहीं मिल पाता है, हालांकि रोज बात होती है लेकिन सिर्फ काम की बात होती है, सर से आमतौर से बात करने का इतना वक्त नहीं मिल पाता है। मैं हम आपके अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने इतना वक्त दिया हमें, और जो लोग मुस्तकिल मुझे सवाल भेज रहे हैं सर की तरफ से मैं सबको जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हाँ और भाई, इसका मेरा भी सबको सलाम और शुक्रिया कि ये बिला वजह की बात आप सुनने में वक्त जाया करते बिल्कुल रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, खुदा अस्सलाम। हाफिज़।